हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, आज की रात बहुत स्पेशल है, फुल मून है और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी मेजर ही हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज की रात, आज के आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या है उनकी सीक्रेट फीलिंग आपके लिए। तो रीडिंग व्यूअर्स, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी देखिएगा, रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपके लिए पर्टिकुलर होगा, आपके लिए मैसेज होगा। रीडिंग व्यूवर्स, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूरी रीडिंग रेजोनेट हो। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रात क्या इम्पैक्ट हो रहा है मेजर, ओके, और उनकी फीलिंग्स भी देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स से एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएँ आज की रात क्या कुछ मेजर हो रहा है उनके अंदर, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस रिश्ते को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, सो वी हैव टू कार्ड्स, पर्सनल इश्यूज एंड बिगर पिक्चर, एनर्जी गेनिंग मोमेंटम एंड बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है टाइम। ओके, ओके व्यूअर्स, तो देखो सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके रिलेशनशिप के अंदर आपके पर्सन आपके इस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम ले रहे थे। एक तरह से अगर देखा जाए व्यूअर्स, यहाँ पे नज़र आता है कि उनके कुछ पर्सनल इश्यूज ऐसे चल रहे थे जिसकी वजह से आपके पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे। कहीं ना कहीं जो सिचुएशन जैसी चल रही थी आपके कनेक्शन में, उसको वैसे ही चलने दे रहे थे, ठीक है। तो ये व्यूअर्स एनर्जी गाइस यहाँ पर नज़र आती है कि कहीं ना कहीं उनके लाइफ में कुछ ऐसा एस्पेक्ट था जो उनको आपकी तरफ आने से रोकता था। उनके कुछ डाउट्स हो सकते हैं, उनके कुछ व्यूअर्स ऐसी कोई ऐसी हो सकता है कन्फ्यूज़न है, कोई क्लैरिटी इस पर्सन को ना हो, या फिर कहीं ना कहीं इस पर्सन को मतलब कुछ ये बहुत अलग तरीके से इस कनेक्शन को देखते थे, ठीक है। मतलब ये देखा जा सकता है व्यूअर्स कि जो आपके लिए फोकस था वो आपके पर्सन के लिए फोकस नहीं था। आप इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आते हैं, इमोशनल नज़र आते हैं। आप इस कनेक्शन का आपने सिर्फ एक फोकस पॉइंट बना लिया है कि बस मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे इस पर्सन के साथ में रहना है, मुझे इस पर्सन का प्यार चाहिए, मुझे एट एनी कॉस्ट सिर्फ ये पर्सन ही आपकी जैसे कि दुनिया बन गई, एक सर्कल बन गया, ठीक है। आपके पर्सन के लिए व्यूअर्स आप वो नहीं थे। आपके पर्सन के लिए आपके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अपनी लाइफ में साथ लेके चलते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं, जिन पे ये फोकस करते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन की इग्नोरेंस का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा होगा, अभी भी करना पड़ रहा होगा। क्योंकि व्यूअर्स समवेयर व्यूअर्स ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन आपसे यही कहते हैं कि आप में भी आपके दोनों के बीच में इस तरह का कन्वर्सेशन रहा हो, या फिर इस वजह से आपको व्यूअर्स आपके पर्सन की अवॉइडेंस झेलनी पड़ रही होगी कि आपके आप जो अपने पर्सन से कहते हैं कि इस पर्सन पे मेरे कनेक्शन पे ध्यान दो, या फिर मुझे वक्त दो, मुझे टाइम दो, या फिर कहीं ना कहीं आप मुझे उतना वक्त नहीं दे रहे हो जितना कि आप मुझे वक्त दे सकते हो, ठीक है। आप मेरे पास आ सकते हो, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप मुझे नहीं अपना सकते हो, ऐसी क्या मजबूरी है जो आप मुझे मतलब इस कनेक्शन को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, प्रोसीड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको बार बार यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में अभी बहुत सारे पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, आप उनको भी देखने की कोशिश करिए, आप उनको भी एनालाइज करने की कोशिश करिए, क्योंकि मेरी लाइफ का जो एक एस्पेक्ट है, जो एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पे आपका फोकस ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, इस वजह से आप उनकी जो मजबूरी कह सकते हैं, समस्याएँ कह सकते हैं, या उनकी लाइफ का एक ऐसा जो साइड है जो आपके सामने शायद अब तक रिवील ना हुआ हो, आप उसको यहाँ पर देखने की कोशिश करें, ठीक है। तो व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर आपको सबसे पहले यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना जो फोकस पॉइंट है वो जस्ट मुझ पे सीमित ना करें, आप एक बिगर पिक्चर को यहाँ पे देखने की कोशिश करें। इनके मन में यही नज़र आ रहा है, वो आपको यही समझाना चाहते हैं, लुक एट द बिगर पिक्चर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आप अभी के बारे में ना सोचें, आप आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचें, ठीक है। और फ्यूचर कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे ये भी दिखा रहा है, क्योंकि एनर्जी गेनिंग मोमेंटम की एनर्जी है व्यूअर्स, तो ये एनर्जी का दिखाता है एनर्जी शिफ्ट होना, यानी कि जो चीज़ें आपके कनेक्शन में एक तरह का पॉज लेके चल रही थी, एक्शन का पॉज है, जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इस पर्सन के लिए वो एस्पेक्ट एक तरह का रूटीन सा बन गया था, या फिर कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को इन्होंने बहुत ज़्यादा कैजुअल लेना स्टार्ट कर दिया था, आपकी तरफ आना, आपकी तरफ एक्शन लेना, आपके साथ में नहीं जुड़ना, कम्युनिकेशन नहीं करना, तो जो एक कैजुअल
कनेक्शन को आपके पर्सन लेके चल रहे थे वो आज आपके पर्सन के लिए यहाँ पे कैजुअल नहीं है, क्योंकि आज आपके पर्सन भी व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये इस कनेक्शन को लेके इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शिफ्ट हुआ है, एनर्जी शिफ्ट हुई है, इसलिए इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शिफ्ट हुआ है और ये इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को देखा, इन्होंने आपके प्रॉब्लम को नहीं देखा, इन्होंने जस्ट अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा सीरियसली लिया, इन्होंने आपका एस्पेक्ट को या फिर आपकी एनर्जी को या फिर आपके इमोशंस को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं किया, ठीक है। इस वजह से व्यूअर्स आपके कनेक्शन में अगर देखा जाए बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ में पीछे छूटती चली गई और ये पर्सन उन पर वर्क नहीं कर पाए। तो व्यूअर्स आज आपके पर्सन मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब आप दोनों की एनर्जी में यहाँ पे कंपैरिजन करते हुए नज़र आते हैं, एनालाइजिंग करते हुए नज़र आते हैं कि हाँ इनको किन चीज़ों पे फोकस करना था, क्या आप जो कह रहे थे क्या वो सही था, ठीक है। आपने जो इन चीज़ों को लेके इनको फोर्स करने को कहा, मतलब फोर्सफुली आप इन चीज़ों को एक एक्शन को रिक्वायर कर रहे थे। पर्टिकुलर अगर देखा जाए ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप एक्शन लो, ठीक है, आप मुझे एक्सेप्ट करो, मैं आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनूंगा या प्रॉब्लम नहीं बनूंगी, आप एक बार चांस दे के देखो या फिर कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन को एक बार चांस दीजिए, इस कनेक्शन को लेके आगे बढ़िए, ठीक है। आप इतना ज़्यादा क्यों सोचते हो, इतने ज़्यादा जो चीज़ें हुई नहीं आप उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा क्यों सोचते हो, मतलब ये चीज़ें गाइज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो आज आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पर सिचुएशन को एनालाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, एनालाइजिंग के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये चेंज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, कुछ एक्शन लेने के बारे में यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, इनका फोकस ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्टेड नज़र आ रहा है। और व्यूअर्स यहाँ पे ये भी दिखाता है कि आपके पर्सन जिन प्रॉब्लम की वजह से आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उनका ये अल्टरनेटिव ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, अगर ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं या इस प्रॉब्लम को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं या इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है। तो जो भी आपके कनेक्शन में व्यूअर्स यहाँ पर प्रॉब्लम है, आपके पर्सन जिन चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, आप उन चीज़ों को लेके आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू, इनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब एक रिलेशनशिप तो है पर पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन आपके अकॉर्डिंग वर्क करें, आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग वर्क करो। आपके पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की वजह से, हाँ ये चीज़ें गाइज यहाँ पे हो सकती है कि भाई आपके पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग मतलब कमिटमेंट से देने से कतराते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे बात करते हुए कहीं ना कहीं उनका जो एक जो मन है वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, वो किस लिए उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लगता चला आया है, क्योंकि पर्सनल इशूज़ इसी बात को लेके है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो आप उनसे उम्मीदें बांधेंगे, आप उनसे आशाएँ लगाएंगे कि अब ये पर्सन मुझसे कनेक्टेड रहेंगे या फिर मुझे प्यार देंगे या फिर कहीं ना कहीं मुझे अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे, ठीक है, या फिर मुझे शादी करेंगे मेरे साथ में, या फिर अगर शादी है तो कहीं ना कहीं शादी को लेकर ज़्यादा सीरियस होंगे, आपको ज़्यादा वक्त देंगे, आपकी आपके लिए ज़्यादा सोचेंगे, दूसरों के लिए कम सोचेंगे। तो ये कुछ व्यूअर्स यहाँ पे हो सकता है, मतलब कि उनका जो पूरा का पूरा फोकस है वो आपके ऊपर आ जाए और आपके पर्सन इन्हीं चीज़ों से कहीं ना कहीं मुझे भागते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं। ये व्यूअर्स एनर्जी ये भी दिखाती है कि आपके पर्सन अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कहीं ना कहीं कोशिश मतलब कर रहे हैं और ये व्यूअर्स एनर्जी इनके माइंड में भी चल रही है, जो कि दिखा रही है कि हाँ ये पर्सनल इश्यूज़ जो भी आपके कनेक्शन में रहे हैं ये इसे कहीं ना कहीं वो ओवरकम करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इस वजह से फॉर ग्रांटेड लिया है। फॉर ग्रांटेड लेने की गाइज ये भी वजह थी कि वो आपको कोई भी उम्मीद नहीं देना चाहते थे, ठीक है, कि आप उनसे कोई उम्मीदें बांधें, फिर आपकी उम्मीदें टूटें, फिर आप रोएं, फिर गिड़गड़ाएं, फिर इस पर्सन को कहीं ना कहीं चार बातें सुनाएं या फिर कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ में आपका जो रिलेशनशिप चल रहा है वो और वर्स्ट हो, ख़राब होता चला जाए। तो ये इसी वजह से व्यूअर्स नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, आपको एक झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते थे या फिर आपको ये एहसास नहीं कराना चाहते थे आपके पर्सन कि मेरी लाइफ की अब प्रायोरिटी तुम बन चुके हो, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी व्यूअर्स नज़र आ रहा है कि हाँ भी कुछ पर्सनल इश्यूज़ इस पर्सन के ज़रूर रहे हैं जिसकी वजह से आप इनके प्रायोरिटी बन नहीं पाए, ठीक है। तो ये व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि इन्हीं चीज़ों में आपके पर्सन यहाँ पे चेंजेस लाने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, तो मैं कुछ और भी कार्ड्स लूँगी आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके इन फ्यूचर ये आप मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। हाय प्रिस्टेस, नाइन ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे इक्वालिटी क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब बैलेंस क्रिएट करते हुए इस कनेक्शन में नज़र आ रहे हैं। उनके मन में यही चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को बैलेंस करने की, यानी आपको वो अधिकार या फिर कहीं ना कहीं आपके मन में जो कुछ इस पर्सन को लेके चल रहा है कि आपके पर्सन आपको वैल्यू नहीं करते हैं, दूसरे को ज़्यादा वैल्यू करते हैं,
आपको मतलब इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे इस पर्सन के मन में क्या है कि अभी कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन को लेके आगे मतलब बढ़ना भी चाहते हैं। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे ये नहीं दिखा रही है कि ये बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन हाँ समवेयर व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ बढ़ने में इस पर्सन को काफ़ी चैलेंजेस का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, जिससे ये मतलब इतना से डरते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि इस कनेक्शन को मैं रिन्यू तो कर लूँ, इस कनेक्शन में मैं आगे तो बढ़ जाऊँ, आपके साथ में जुड़ तो जाऊँ, लेकिन जो इशूज़ हैं अभी भी करेंटली आप दोनों के बीच में, मन मुटाव हो सकता है, एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट इशूज़ हो सकते हैं, ठीक है, बिलीफ हो सकता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें गाइस नज़र आ रही है कि भाई आप उनको लेके उतना ज़्यादा मतलब सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को लेके यही कह रहे हो कि बस अगर तुम्हें आना है तो सब कुछ तुम्हें मतलब छोड़ के मेरे पास आना होगा, या फिर मुझे अपनी प्रायोरिटी बनानी होगी। तो फिर बस मैं इस पर्सन को लेके यही देख रही हूँ कि ये अभी फ़िलहाल आपको ये लेके चलना चाहते हैं कि आप इनको इनके साथ में जुड़ें, ठीक है, इनके साथ में कनेक्टेड रहें। ये आपको फील भी करवाना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, या फिर आप इनके लिए कितने ज़रूरी भी हो, या आपसे कितना प्यार भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के मन में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप उनके लिए उतने ही ज़रूरी हो जितना लाइफ का अदर आस्पेक्ट इनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को व्यूअर्स देख रही हूँ कि हाँ कहीं ना कहीं चैलेंजेस का ये पर्सन यहाँ पे सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो उनके खुद के इनर थॉट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इनर थॉट मतलब इनर बिलीफ सिस्टम, कुछ डर जिनसे ये आगे बढ़ने की यहाँ पे कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनको ये ओवरकम करने की कोशिश करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मतलब एक तरह से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि हाँ मुझे इन चीज़ों को कैसे सही करना है, या फिर कैसे इन चीज़ों से मुझे बाहर निकलना है, अल्टरनेटिव ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ताकि वो इस कनेक्शन को भी ऐसे ही आपको ऐसा भी फील ना करा दें कि आप इनके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं हो। ये ऐसा ही फील कराना चाहते हैं कि आज भी आप इनके लिए उतने ही ज़रूरी हो जितने कभी पहले हुआ करते थे, आज भी आप उनकी लाइफ का पार्ट हो, आज भी आप उसे वो उतना ही प्यार करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं अपने प्यार का आपके पर्सन आपको एहसास यहाँ पे करवाना चाहते हैं, ओके। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक चीज़ को क्लियरली देखा जा सकता है कि इस पर्सन की कहीं ना कहीं कुछ इच्छाएं ज़रूर हैं जो आपको आपके पर्सन से कनेक्ट करती हैं, कुछ इमोशंस ज़रूर हैं जो आज भी आपको आपके पर्सन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी वजह से व्यूअर्स यहाँ पे वर्ल्ड और रिन्यूअल की एनर्जी आती है, जो कि दिखाती है कि अब आपके रिलेशनशिप में कुछ एनर्जी शिफ्ट ज़रूर हो रहा है आज रात से, जो कि दिखाता है कि अब आपके जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, स्टकनेस से बाहर निकलेंगे, ओवरकम करेंगे कहीं ना कहीं। और व्यूअर्स इस कनेक्शन में जिन चीज़ों को लेकर अभी तक आप हारता हुआ महसूस कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे थे कि अब मेरी बाजी यानी ये जो कनेक्शन है मेरे हाथ से निकल गया, ठीक है, तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको ऐसा महसूस नहीं करवाएंगे। लेकिन हाँ आपसे ये ज़रूर कह रहे हैं आपके पर्सन कि आप मुझसे फोर्सफुली कुछ भी ना करवाएं, क्योंकि फोर्सफुली कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक बैटल ज़रूर इस पर्सन को नज़र आ रही है, जो कि दिखाई दे रही है। ये पर्सन व्यूअर्स उसी वजह से जो इशूज़ हैं उनको ये आज भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं, उन बेड़ियों से व्यूअर्स आज भी आपके पर्सन निकल नहीं पाए हैं, उन चीज़ों को आज भी आपके पर्सन अपनी लाइफ से कट ऑफ नहीं कर पाए हैं। तो उनको कहीं ना कहीं व्यूअर्स इन चीज़ों को लेके स्ट्रेस भी है, टाइम भी लग रहा है व्यूअर्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे टाइम आपसे मांगते हुए भी नज़र आ रहे हैं, सो दैट ये इस कनेक्शन को लेके कुछ वर्क कर सके। लेकिन अभी आप इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये मत लगाएं कि एकदम से आपके पास आएंगे आपके पर्सन और आपके हो जाएंगे, फिर किसी अन्य अदर आस्पेक्ट को ये इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो ऐसा भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये ट्रैप सा महसूस कर रहे हैं अभी अपने आप को, ट्रैप मतलब एक फंसा हुआ, एक ऐसी जद्दोजहद में फंसा हुआ जहाँ से निकलने का इनको कोई मतलब इनकी हिम्मत भी टूट जाती है, समटाइम तो इनकी हिम्मत भी टूटती है कि क्या मैं ये कर पाऊँगी, क्या ये मैं कर पाऊँगा, तो ये उससे ओवरकम करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं कि हाँ ये धीरे धीरे ही सही पर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं खुद की मेंटालिटी में, इस कनेक्शन में, खुद के लाइफस्टाइल में, खुद की सोच में, खुद के पर्सनल इशूज़ में, सो दैट कि कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट यहाँ पे हो सके, ओके। तो चलो कुछ चैनल मैसेज भी देखते हैं आज रात के, ओके ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी आपके लिए आपके पर्सन के चैनल मैसेज क्या हैं। आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे एक उम्मीद भी रखते हैं कि आप इनसे फोर्सफुली कुछ करवाएं नहीं, फोर्सफुली ये कुछ कर नहीं पाएंगे, जस्ट एक इक्वल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ये आपके पर्सन आपसे उम्मीद रखते हैं, उनको आपसे काफ़ी उम्मीदें व्यूअर्स ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, जिस तरह से आपको आपके पर्सन से उम्मीदें हैं इस तरह से आपके पर्सन को भी आपसे काफ़ी उम्मीदें नज़र आ रही हैं मुझे तो जुड़ी हुई, ठीक है। देखते हैं और क्या है इस पर्सन के मन में, आपके लिए क्या कहना चाहते हैं आपसे आज रात।
ओके यू डोंट नो सॉरी कितना फील कर रहा हूँ मैं, कितनी फील कर रही हूँ मैं। हाँ मुझे इस मतलब एक व्यूअर्स यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है आपको लेके, वो ये दिखाता है कि आपको इग्नोर करना या फिर आपसे कहीं ना कहीं एक तरह से दूरियाँ बनाना, उस वजह से मुझे काफ़ी गिल्ट भी हो रहा है। यानी आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं कि हाँ मुझे पछतावा है इन चीज़ों का। आई वॉन्ट टू वेकअप, ये आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हर सुबह आपकी आपके साथ में उठना चाहते हैं, लाइफ की नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। अभी ये डिमोटिवेटेड है, मतलब इनको कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है जो ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, उसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में भी नज़र आ रहे हैं। इन्होंने आपको इंटेंशनली इग्नोर किया, उसकी वजह आपको पता ही है जो मैंने यहाँ पर आपको बताई, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है तो आपको पता होगा। आई एम एक्साइटेड टू मीट यू, अब आपके पर्सन आपसे मीट करने के लिए यानी आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं यहाँ पे, ठीक है। इनको आपकी ज़रूरत है और ज़रूरत व्यूअर्स कहीं ना कहीं आप उनकी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई देखो जो ज़रूरत आपकी है वही ज़रूरत आपके पर्सन की भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि आपका फोकस क्या था, सिर्फ ये पर्सन, अभी आपके पर्सन का भी फोकस कहीं ना कहीं इस वक्त आप नज़र आ रहे हो। तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ओके। और मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ओके। सो बाय, टेक केयर।